हेलो एवरीवन, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो मीशो साड़ी हॉल वीडियो होने वाला है। मीशो से मैंने कुछ साड़ियाँ मंगाई हैं और उनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो मुझे कैसी रिसीव हुई हैं। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो भी होगा वो मैं बिल्कुल सही सही आपको बताने वाली हूँ कि ये साड़ियाँ सच में लेने लायक हैं कि नहीं हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साड़ी से। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये पैक होकर के आई थी। तो ये देखिए अंदर से भी ये इस तरह से पैक है। अब मैं इसको खोल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे कैसी मिली है। तो ये देखिए इस तरह से ये वाइन कलर की साड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पल्ले से। तो ये देखिए इसके पल्ले पे पूरा इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है पूरे पल्ले पे। ये देखिए ये पूरा थ्रेड और जरी का वर्क है। ये गोल्डन जरी और थ्रेड का पूरे में वर्क हो रखा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और पीछे से भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। ये देखिए आप देख सकते हैं, एक मिनट में आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे से भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। पूरे में आपको ये कटवर्क का बॉर्डर मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसका वर्क मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा गोल्डन जरी और रेशम के थ्रेड से वर्क हो रखा है। यही वर्क इसके पूरे आंचल में हो रखा है, ऊपर की तरफ भी। ये देखिए यही कटवर्क का बॉर्डर आपको पूरा ऊपर की साइड भी मिल जाएगा, जो कि आप जब शोल्डर पे डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए जब आप शोल्डर पे डालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे की तरफ भी सेम यही कटवर्क का बॉर्डर आपको मिल जाएगा जरी और थ्रेड के वर्क के साथ। ये देखिए नीचे की तरफ जो प्लीट आती है उसमें पूरे में ही ये बॉर्डर है। पूरा 5.5 मीटर की साड़ी है। बहुत ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। बीच बीच में भी पूरी साड़ी में आपको सेम ये वाले बूटे मिल जाएंगे, जो कि जरी और थ्रेड से ही यहाँ पे ये बूटे बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर ये साड़ी मुझे लगी। किसी भी पार्टी, फेस्टिवल और ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है। और अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसका फैब्रिक वो सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, उसमें सिल्क लिखा है, लेकिन ये सिल्क नहीं है। वो जो शाइनिंग वाला जॉर्जेट आता है ना, जो हल्का शाइन करता है, उस टाइप का इसका फैब्रिक है। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर सा है। और जहाँ से हम फर्स्ट राउंड टक करते हैं वहाँ पे ये देखिए इतना फैब्रिक प्लेन है, जिसमें बॉर्डर नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा ये प्लेन फैब्रिक आपको दिया है। तो जब आप इसकी प्लेट बनाएंगे तो पूरी प्लेट में आपकी ये बॉर्डर आएगी। बहुत साड़ियों में क्या होता है, बॉर्डर बहुत लेट स्टार्ट होता है, तो जो हम प्लेट बनाते हैं उसमें बॉर्डर नहीं आता, जो कि देखने में बहुत ही बेकार लगता है। लेकिन इसमें पूरी साड़ी में इसी तरह से ये बॉर्डर है। ये देखिए यहाँ तक पूरा बॉर्डर है और इतनी सी ये साड़ी आपको प्लेन मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लाउज का फैब्रिक इसमें स्टिच करके दिया हुआ है। और ब्लाउज के लिए आपको दो फैब्रिक मिलेंगे इस तरह से। और ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है ये बैक के लिए है, और ये जो पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है ये आपको फ्रंट के लिए है और स्लीव्स के लिए है। इसका जो ब्लाउज का पीस है वो बहुत ही सुंदर सा है। सबसे सुंदर तो मुझे इसका ब्लाउज ही लग रहा है। ये देखिए पूरा भरा हुआ, ये देखिए पूरा वर्क वाला ब्लाउज का पीस आपको इस तरह से ये मिल जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसका वर्क भी बहुत ही फाइन है। पूरा ये जरी और रेशम थ्रेड का वर्क है, पूरे फ्रंट में ये वर्क आएगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लाउज बनेगा बहुत ही हैवी बनेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। और पूरी स्लीव्स पे भी ये देखिए वर्क दे रखा है दोनों स्लीव्स के लिए इस तरह से। ये देखिए इस साड़ी की जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और तो ये थी हमारी फर्स्ट साड़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको दूसरी साड़ी दिखाते हैं। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मीशो पे लिंक नहीं होते हैं, कोड होते हैं। या फिर आप इस साड़ी की इमेज लेकर के भी सर्च करेंगे तो ये साड़ी आ जाएगी। पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगती है साइड में आप देख सकते हैं। साड़ी अगर आपको पसंद आ रही हो तो फटाफट से ले लीजिए। तो दूसरी साड़ी ये है, रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है। ये देखिए अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले इसका ब्लाउज का पीस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ ये देखिए ये ब्लाउज का पीस रिसीव होता है इस तरीके से। पूरा 80 सेंटीमीटर का ये आपको ब्लाउज का पीस मिल जाता है, जो कि ब्रोकेड फैब्रिक में है, गोल्डन का डार्क पिंक कलर पे पूरा गोल्डन का वर्क हो रखा है। इसके बाद मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। तो साड़ी कुछ इस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पल्ले से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये साड़ी है। तो इसके आंचल में ये इस तरह से आपको ये पिंक कलर की पाइपिंग मिल जाती है पूरी साड़ी में। ये देखिए नीचे की तरफ भी सेम इसी तरह से आपको ये पाइपिंग मिलती है, और ऊपर की तरफ भी सेम ही मिलती है। और पूरी साड़ी में इस तरह से थ्रेड का ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये देखिए और इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो चंदेरी कॉटन है, चंदेरी कॉटन फैब्रिक है इसका। ब्लू कलर की साड़ी है जिसके ऊपर ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है।
ये देखिए। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये देखिए, पूरे आंचल में आपको इसी तरह से ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, पूरे आंचल में, आंचल वाले पोर्शन में, पूरे में आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिलती है, ये देखिए। इसके बाद ये देखिए, जहाँ से हम प्लीट बनाते हैं उसमें ऊपर से प्लेन है और नीचे की तरफ ये एम्ब्रॉयडरी आपको पूरी साड़ी में मिल जाएगी, नीचे की तरफ पूरी साड़ी में आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। और ये एम्ब्रॉयडरी देखिए सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद इतना सारा फैब्रिक इसमें हमें प्लेन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इतना फैब्रिक इसमें प्लेन दिया हुआ है। तो आधी से ज़्यादा साड़ी में तो एम्ब्रॉयडरी है ही नहीं। सबसे पहले जो इसका माइनस पॉइंट मुझे लगा वो यही है कि जब हम प्लीट बनाएंगे तो ऊपर ऊपर तो इसमें एम्ब्रॉयडरी आएगी ही नहीं, ना ही इसमें पाइपिंग है। ये देखिए पाइपिंग भी सिर्फ यहाँ यहीं तक दे रखा है, इसके बाद इतना फैब्रिक, ये देखिए इतना सारा फैब्रिक यहाँ पे इस तरह से प्लेन दे रखा है। इस फैब्रिक में आपको पाइपिंग मिलेगी, नहीं एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, जिसकी वजह से ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और इसका जो फैब्रिक है इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो ये वाली जो साड़ी है वो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी लेने के लिए। साड़ी की लेंथ पूरी 5.5 मीटर है, इसकी वजह से ये जो साड़ी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह अच्छी है लेकिन साड़ी में पूरे में एम्ब्रॉयडरी नहीं है, पूरी में फिनिशिंग नहीं है, पाइपिंग नहीं है, तो इस वजह से ये जो साड़ी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बस ये वाली जो साड़ी है इसका फैब्रिक भी मुझे कुछ खास नहीं लगा है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक येलो साड़ी शेयर की थी, उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था और उसकी पूरी साड़ी में वर्क था, सेम इतनी ही प्राइस की इसी तरह की साड़ी वो थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी साड़ी थी। वैसी ही साड़ी मैंने व्हाइट कलर की भी मंगाई थी, येलो कलर की भी मंगाई थी, दोनों साड़ियाँ बहुत ही अच्छी आई थी, लेकिन ये वाली साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो इस साड़ी को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी लेने के लिए। और पहनने के बाद ये कैसी लगती है साइड में आप देख सकते हैं, प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको नेस्ट साड़ी दिखाती हूँ, और ये वीडियो मैं नेस्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि ये साड़ी मुझे आज ही रिसीव हुई है और मैंने सोचा इसे भी मैं इसी में इंक्लूड कर दूँ। तो ये देखिए, ये है कुछ इस तरह से गोटा पट्टी वर्क की बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, और ये जस्ट मुझे अभी अभी रिसीव हुई है, और ये यहाँ से लॉक है, पहले मैं इसे खोल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर सी गोटा पट्टी वर्क की साड़ी है, ये भी साड़ी बहुत ही सुंदर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके पल्ले से। तो ये देखिए पूरे पल्ले पे इस तरह से ये गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, जो कि बहुत ही सुंदर सा है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये वर्क हो रखा है। ये देखिए पूरा गोल्डन कलर की गोटा पट्टी का वर्क है यहाँ पे, ऊपर और नीचे आपको ये पाइपिंग मिल जाती है फैब्रिक में है, जो कि ये देखिए पीछे से भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सफाई के साथ ये लेस इसमें अटैच हुई है। ऊपर की साइड में भी सेम आपको यही गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है यहाँ तक, ये देखिए पूरे आंचल में सेम यही आपको गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है। ये लेस है जो कि अटैच की हुई है साड़ी में, लेकिन बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच किया गया है। नीचे की तरफ भी पूरी साड़ी में आपको सेम यही बॉर्डर मिलेगा, ये देखिए पूरी साड़ी में सेम यही बॉर्डर नीचे की तरफ भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए। और नीचे की तरफ यहाँ तक आपको ये बॉर्डर मिल जाता है, इसके बाद इतना फैब्रिक आपको प्लेन मिलता है। जहाँ से हम फर्स्ट राउंड टक करते हैं वहाँ के लिए प्लेन फैब्रिक मिलता है। साड़ी का जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट जॉर्जेट है, बहुत ही अच्छा वाला फैब्रिक है, बिल्कुल चीप क्वालिटी का नहीं है। और साड़ी की जो लेंथ है पूरी 5.5 मीटर की इसकी लेंथ है, बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी है। इसके बाद बात करते हैं इसके ब्लाउज का, तो इसके साथ ये आपको कुछ इस तरह से ब्लाउज का पीस मिल जाता है। ब्लाउज की पीस की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये देखिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसका ब्लाउज़ बनवाइए। साथ ही इसमें यहाँ पे इतना सा गोटा पट्टी वर्क मिल जाता है जिसे आप अपने बैग में लगवा सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ कोई इसी कलर का दूसरा फैब्रिक ले करके ब्लाउज स्टिच करवाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। 80 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज का पीस है, ये देखिए। लेकिन ब्लाउज के पीस की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साड़ी की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, वर्क बहुत ही अच्छा है। और ये साड़ी मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे पूजा के लिए मंगवाया है, तो इस साड़ी को मैं आपको पहन के नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए सॉरी। और इसकी जो पिक होगी मैं साइड में लगा दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि पहनने के बाद ये साड़ी कैसी लगेगी। साड़ी बहुत ही अच्छी है और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगी। साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।